पार्टी लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत खराब। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू में सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेडीयू पीछे जा रही है। ललन सिंह ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है जेडीयू पीछे नहीं जा रही है, जेडीयू आगे है। वहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि उनका मन डोल रहा है, तो ललन सिंह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे तो लगातार बात होते रहती है, उनका ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर ललन सिंह ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर ललन सिंह, सुनवाते हैं उस बयान को। सबसे लगातार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू पीछे जा रही है और तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं कर रहे सुधाकर सिंह पे। पार्टी लगातार पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत खराब। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं हो रही है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रही। राष्ट्रीय बता चुके हैं कि एक ही सवाल को रोज रोज पूछने का कोई मतलब नहीं होता। ये कल हमने विस्तार से बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए। आपके सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा सर 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 चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। उभी है बहुत भारी भारी क्रांतिकारी और जो काफी क्रांतिकारी का लोग हैं उनके बारे में हमको। सर ऐसा है उपेंद्र कुशवाहा निराश फील कर रहे हैं जेडीयू में, क्योंकि उन्होंने कहा पवेलियन की भूमिका में आ गए। नहीं, आपसे वो बोले होंगे। अच्छा, हमसे अच्छा, तो बराबर बात होती है। ठीक ठीक ठीक, देखिए कोई कुछ कार्रवाई करे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जाके बात कर लीजिए, हम बता चुके हैं मेरा स्टैंड, हम बताएंगे कि सारी पार्टियों का जिम्मा हम थोड़ी ले। गठबंधन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उस पार्टी का नियंत्रण कर रहे हैं। उस पार्टी का नेतृत्व है, वो पार्टी अपना नेतृत्व करेगा। लगता है हिंदू समाज की हम सभी सभी भावना का सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।